तो अभी सुबह के 7:12 हुई है, तब हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी घर के अंदर का टेम्परेचर 24 है। तो हेलो गाइस, सफर एक और नए सफर पर आया, झुंपलू पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ एक और नया ब्लॉग लेकर आया। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बने रही, आपको खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय करोगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में चाय और पराठा है, नाश्ता करते फिर आगे की ओर निकलते। तो सामान भी पैक कर लिया और ब्लॉग बनाने के लिए ट्रैपोर्ड भी ले लिया। फाइनली क्रिस भी हमारे घर पर आ गया। से निकलने से पहले भगवान का भी आशीर्वाद ले लिया, मम्मी पापा का भी आशीर्वाद ले लिया और टीका भी लगा लिया। तो गाड़ी के अंदर सामान भी रख दिया और सबसे पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते फिर आगे की ओर निकलते। तो आज हम लोग जा रहे हैं शंकर भगवान के मंदिर, जो 200 से 300 साल पुराना है, जो पादरा के जसपुर गांव के अंदर है, जो बड़ोदा से 20 किलोमीटर है और पादरा से 5 किलोमीटर है। तो चलते हैं, ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग न्यू अलकापुरी पहुंचे, तो यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। भी हम लोगों ने सेवासी और भैली वाला रास्ता पसंद किया है, जो आपके घर के पास है और रास्ता पसंद करके मंदिर तक पहुंच सकते हो। आप लोग देख सकते हो सेवासी और भैली कितना डेवलप हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने पेट्रोल भी डलवा दिया। ये रास्ता भाईली गांव के अंदर से जा रहा है। आप लोग देख सकते हो बारिश के मौसम के लिए चारों तरफ ग्रीनरी है। आप लोग देख सकते हो बीच में थोड़ा कच्चा रास्ता आता है। बीच में भी शंकर भगवान का मंदिर आता है, तो यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। तो रास्ते से आप लोग सीधे ही आते हो तो सामने की तरफ आपको बोर्ड नजर आएगा, तो यहाँ पे लिखा है जसपुर गांव, तो सामने की तरफ आपको दुकानें नजर आएगी। यहाँ से आप लोग राइट टर्न मार लो ना, जो आपको मंदिर तक लेके जाएगा।
तो जासपुर गांव के आगे आपको मिट्टी का कच्चा रास्ता देखने के लिए मिलेगा, बस उसी पर आगे बढ़ते जाइए जो आपको मंदिर तक लेके जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर आते हो तो रास्ते में आपको मिट्टी के पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे और रास्ते में आपको मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, तो ध्यान से गाड़ी चलाना क्योंकि गाड़ी फिसलने का डर रहता है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि मंदिर तक गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहाँ से हमको चलकर मंदिर तक जाना पड़ेगा। तो मंदिर तक जाने के लिए आपको मिट्टी का कच्चा रास्ता देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मंदिर के रास्ते में आपको पुराने समय का गेट देखने के लिए मिलेगा, यहीं से आप लोग आगे चले जाना जो आपको मंदिर तक लेके जाएगा। आप लोग यहाँ पर आते हो तो ध्यान से आइए क्योंकि आप लोगों को रास्ते के अंदर कोई भी जीव जंतु मिल सकता है। तो मंदिर के रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यू और लोकेशन देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर आप लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। इन लोगों को नेचर से प्यार है, उसके लिए जन्नत है और यहाँ पे कितनी शांति है। और आप लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हो तो पुराने जमाने का किला है और यहाँ पर उसकी दीवारें भी है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। रास्ते से आप लोग सीधे ही आते हो तो सामने की तरफ आपको ध्वजा देखने के लिए मिलेगी, तो यही है मंदिर। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी आपको प्राचीन समय का देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए, तो चलते मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो मंदिर के बाहर तुलसी का पेड़ है,
तो सामने शंकर भगवान का मंदिर है। तो मंदिर के अंदर छत और दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मंदिर के अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूं। हम लोग मंदिर के बाहर बैठे हैं और यहाँ पे कितनी शांति है, आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। ये शंकर भगवान का मंदिर 200 से 300 साल पुराना है। ये मंदिर राजाओं के समय का है और सोमवार के दिन और श्रावण महीने में मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। और ये मंदिर पत्थरों से बना है। तो मंदिर के बाजू में आपको नदी देखने के लिए मिलेगी, ये महिसागर नदी है। तो यहाँ की भी एक कहानी 1956 की बात है, यहाँ पर गांव हुआ करता था। तब महिसागर नदी का पानी गांव के अंदर घुसने से गांव वालों को नुकसान हुआ था। तब गांव वाले दूसरे गांव रहने के लिए चले गए थे, ऐसा गांव वाले बताते हैं। तो आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि मंदिर पुराने समय का है। तो मंदिर के बाहर आराम से बैठने की भी जगह है। तो मंदिर के बाहर एक पेड़ है, जहां पे दो शिवलिंग है वहीं पर हम लोग जा रहे दर्शन करने के लिए। पेड़ के नीचे दो शिवलिंग है जहां पर आप लोग दर्शन भी कर सकते हो। मंदिर के अंदर लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो लोग यहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप लोग यहां पर आते हो तो अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो आज गर्मी भी ज्यादा, हमें पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमें खूब मजा आ रहा, खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप बड़ोड़ा या पादरा के आसपास रहते हो तो यहां पर आइए अपनी फैमिली के साथ, आपकी भक्ति भी हो जाएगी, आपको खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय करोगे। मंदिर के पास कितनी शांति है, आप लोग पक्षियों की आवाज भी सुन सकते हो। तो मंदिर के बाहर अच्छे अच्छे व्यू है, आप लोग देख सकते हो। मंदिर के पास आपको पुराने समय की दीवारें, किले और मूर्तियां भी देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग यहां पर आते हो तो अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो आज फिर से हमारे साथ क्रिस आया, तो क्रिस कैसा लग रहा है? खूब मजा रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है। आपको भी खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय करो। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिए, अब चलते हैं घर की तरफ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही पर सफर अपना सफर खत्म करता है। नेक्स्ट सफर के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।